वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन सबसे पहले मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ अब मैं आपको बैल्कनी दिखा देती हूँ सी दू इज इंट इट ब्यूटिफुलिस व्यू बहुत ही ज्यादा प्रति लग रहा है हमारे चेकआउट का टाइम हो चुका है तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सो दिस वॉज आर होटेल सो फर्स्टली वी आर हेडिंग रोड माल रोड जाते हैं देखते हैं कैसा क्या कुछ होता है देन वी विल सी आगे कहाँ जाते हैं रोड जाने के लिए भी आपको उसी सेम जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और उसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ता है तो यहाँ हमने कल भी गाड़ी पार्क करी थी आज भी हमने यहीं पे पार्क की है तो उसके बाद आप उसी सेम रोड से जहाँ से आप सीधे की तरफ निकलोगे आपको यहाँ पे इस तरीके से मार्केट दिखाई दे जाएगी आपको उसी सेम पाथ पर आगे चलते हुए जाना है जहाँ पर आपको हेरिटेज मार्केट दिखाई देगी यहाँ से शॉप स्टार्ट हो जाती है हेरिटेज मार्केट में भी और ज़्यादा शॉप्स देखने को आपको मिल जाएंगी यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे विलन क्लोथ्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो यहाँ से ख़रीद सकते हो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में तिब्बतन फूड भी मिलता है तो आप यहाँ का फूड भी टेस्ट कर सकते हो यहाँ हर जगह इस तरीके से साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो सो हेयर बी रीच टू दिस हेरिटेज मार्केट आपको हेरिटेज मार्केट के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो देखने को मिल जाएंगी पहले हम अच्छे से मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं बाकी जगह पर हम इसके बाद चलते हैं फूड के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको तो आप यहाँ पर आराम से अपना फ़ूड इन्जॉय कर सकते हैं हेरिटेज मार्केट में यहाँ पर ये फेमस शॉप है नरेंद्र स्वीट्स के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है इनके बन समोसे के लिए तो जब हम वापसी आएंगे तब हम इनका समोसा बन ज़रूर ट्राई करेंगे तो मैं आपको और थोड़े से कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं जो दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर गोलगप्पे भी खाने को मिल जाएंगे विच इज़ अ मस्ट एटलीस्ट फॉर गर्ल्स तो इस तरीके की कुछ मार्केट है जहाँ पर एक साइड पर आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी में यहाँ पर ब्लैंकेट्स और बेड देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में थी इस शॉप पर बहुत सारे गिफ्टिंग आइटम्स थे जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप कसौली से कुछ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे शो पीसेस थे जो कि आप अपने साथ ले जा सकते हैं बहुत सारे वुडन आइटम्स थे इनके पास जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में थे बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पर लेकिन जितनी भी मार्केट है आपको वहाँ पर बहुत अच्छा फ़ूड और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आप ऐसे मिरर्स और बहुत सारी चीज़ें की चेन्स हैं यहाँ पर वो आप ऐसे गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी अपने साथ ले जा सकते हैं आपको ब्लैंकेट्स और कारपेट्स की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरायटी देखने को मिल जाएगी जैसे ही आप मार्केट को पूरा कवर करते हो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल जाएंगी जिनमें से एक पॉइंट है यहाँ पर मेडिटेशन पॉइंट तो हम पहले मेडिटेशन पॉइंट जा रहे हैं उसके बाद देखते हैं कि हम आगे कहाँ जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी हम पहले मेडिटेशन पॉइंट जाएंगे आप इनको फॉलो करते हुए या किसी से पूछ सकते हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे एंड लेट्स सी मेडिटेशन पॉइंट कैसा होता है बिकॉज इट्स साउंड वेरी इंटरेस्टिंग सो लेट्स सी हाउ द मेडिटेशन पॉइंट लुक्स लाइक सो थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हम मेडिटेशन पॉइंट पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं कैन यू जस्ट सी वी आर ऑन द टॉप ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर माउंटेन और वट एवर इट इज सो हम बिल्कुल टॉप पे हैं जिसकी वजह से जो बाकी की नीचे चीज़ें हैं दे आर लुकिंग सो फ्रिकिंग स्मॉल एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू रीच डैट पर्टिकुलर पॉइंट सो दिस इज़ द मेडिटेशन पॉइंट यहाँ पर आपको कुछ झूले देखने को मिल जाएंगे एंड लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा हल्ला किया था बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ से आप टॉप पर खड़े हो के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो जो हमने कल सनसेट पॉइंट पे देखने के लिए मिस कर दी थी चीज़ें आज हमने वो पूरी कर ली हैं बिकॉज आई एम जस्ट आई डोंट हैव इन वन वर्ड्स टू स्पीक दिस हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये एरिया सो so मेडिटेशन पॉइंट पे हमने आराम से दो तीन घंटे यहाँ पर बिताए उसके बाद हम लोग वापस निकल रहे हैं तो मार्केट में एक दो हमें ऐसी शॉप्स दिखी यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट सेल करते हैं ये लोग तो हमें यहाँ से एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी एंड वी जस्ट बाय दैट उसके बाद हम निकल रहे हैं तो हमने सोचा कि हिमाचल आए हैं हमने कल भी मोमोज़ खाए थे बट दिस प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था एक तो इनका नाम बहुत इंटरेस्टिंग था इस कैफे का माचो डैडी सो हमने यहाँ पर मोमोज और मैगी ऑर्डर करी एंड आई जस्ट लव द मोमोज लाइक दे आर सो फ्रिकिंग लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे उसके बाद यहाँ का फेमस बन समोसा जो कि नरेंद्र स्वीट्स का है तो हमने ये भी ट्राई करा और ये भी बहुत ज़्यादा लाइक यूनिक था और बहुत टेस्टी था इसके बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं टॉय ट्रेन की तरफ तो हम देखते हैं कि हमें वहाँ पर ट्रेन मिलती है या नहीं मिलती है वो हमें जाने के बाद पता चलेगा सो चलते हैं पहले स्टेशन उसके बाद देखते हैं सो वी रीच टू द रेलवे स्टेशन तो ये धर्मपुर का रेलवे स्टेशन है तो हम पहले स्टेशन जाते हैं उसके बाद देखते हैं सो दिस इज़ द स्टेशन सो so, हमने यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस से पूछा अबाउट द टॉय ट्रेन तो उन लोगों ने बोला कि हमें टॉय ट्रेन के लिए लाइक like, मुझे लगा था टॉय ट्रेन इज़ द ट्रेन विच इज़ डिफरेंट फ्राम द ट्रेन विच वी यूजली टेक टू गो टू वन प्लेस टू अनेदर राइट बट टॉय ट्रेन यहाँ की वही ट्रेन है जो ट्रेन यहाँ पर नॉर्मली चलती है तो उसके लिए हमें पहले ही रिजर्वेशन कराना पड़ता है तभी हम वहाँ पर जा पाते हैं तो एज़ रिज़र्वेशन हम वहाँ पर नहीं करा पाए थे चार दिन का पहले ही उनको आ, बुकिंग्स थी उनके पास फोर डेज़ के लिए तो हम वो नहीं करा पाए तो अगर आप लोग हिमाचल आते हैं कसौली आते हैं और अगर आपको टॉय ट्रेन में जाना है तो आपको पहले से ही रिज़र्वेशन करा के रखनी पड़ेगी उसके बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हो तो ये हमारा थोड़ा सा पोपट हो गया बट इट्स ओके सो वी आर जस्ट लीविंग कसौली एंड गोइंग बैक तो चेतना तो सो चुकी है एंड मुझे भी आ रही है नींद तो मैं भी पीछे जाके बस सोने वाली हूँ तो हम बस घर पहुंचते हैं बिकॉज़ वी आर वेरी टायर्ड तो रास्ते में जाते टाइम हमें एक जगह दिखाई दी यहाँ पर लाइक दिस नॉट अ जगह बट एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ था तो, uh, कसौली में जाने के टाइम पे ही जहाँ पर लिखा हुआ था आई लव हिमाचल सो आप यहाँ पर भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं बिकॉज़ इट्स अ वेरी नाइस प्लेस तो यहाँ पर फोटोज़ क्लिक कराने के बाद

Uh, our home like not our home but we reached to our destination the Guru kshetra so hum log bas ab ghar and we will just relax. So if you like this video do a thumbs up, comment down below and share it to more and more people and thank you so much for watching my videos and share so much of love. Thank you so much.